वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है डे टू डे रेसिपीज विद मूना, जहां मैं रोज़ नई रेसिपीज लेके आती हूं। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूं स्टीम एंड फ्राई चिकन टिक्का। ये तो आए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमने लिया है 4 चिकन चेस पीस, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन बनेगी। 2 नींबू हमने दरमियानी साइज के लिए है, इसका रस निकाल के रख लिया। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा पाव हमने दही ली है और इसका पानी अच्छी तरीके से छन्नी में डाल के निकाल लिया है। मसाले लिए हैं हमने 1 टेबल स्पून धनिया भुना कुटा, 1 टेबल स्पून जीरा भुना कुटा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी। एक बॉल ले लें, इसे वॉश करके रख लें। इसके अंदर हम डालेंगे दही फेटी हुई। जिंजर गार्लिक पेस्ट, नींबू 2 दरमियाने, इसका रस निकाल लें। और जो ये आपको दिखाए थे सारे मसाले, ये तमाम इसमें डाल देंगे। अब इन सब मसालों को मिला लें दही के साथ, दही नींबू का रस जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। इसमें से इन मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नींबू के रस के साथ मिलके ये बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे हैं। मसाले हमारे मिल गए हैं, ये देखें पीस को हमने बीच में से कट लगा ली थी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से चले जाए। तो चले आए, इसमें मसाला लगाते हैं। ये देखें, ये ऐसे पीस को खोल खोल के इसके बीच में हम मसाला भरेंगे। इसी तरह हम दूसरा पीस लेंगे, इसके बीच में खोल खोल के मसाले को अच्छी तरीके से भरेंगे। सो व्यूअर्स, मैं आपको मसाले जब मिला रही थी मैं उस टाइम पे आपको बताना भूल गई कि इसके अंदर मैंने 2 पिंच जर्दे का कलर भी डाला था। मैंने तो मिला के इस पे लगा लिया है, आप लोग भी अपने मसालों में इसे ऐड कर लें। ये देखें, चारों पीसों पे हमने मसाला अच्छी तरीके से लगा लिया है। वैसे तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए लगा के छोड़ दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक पतीला लिया है हमने स्टीम के लिए, इसको वॉश करके इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे छन्ना, चावल छानने वाला छन्ना। ये छन्ना रख के हम ढक्कन लगा देंगे तो खुद ब खुद इस छन्ने के अंदर आ जाएगी भाप। इस भाप के अंदर, स्टीम के अंदर हमें चिकन को गलाना है। ये देखें व्यूअर्स, छन्ने में हमारी भाप आ गई है। अब हम इसके अंदर पहले ने किया हुआ चिकन डालेंगे। जगह बना के ये चारों पीस हम
इसमें डाल देंगे। और ये मसाला भी जो बचा हुआ है प्याले में, ये भी इसमें डाल देंगे। बर्तन वापस ढाप देंगे इस पे और आंच को स्लो कर देंगे। आधा घंटा ये इस साइड पे होगा कुक, फिर आधे घंटे के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से एक साइड से स्टीम हो गई है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसकी साइड को हमने चेंज कर दिया है। अब आधा घंटा इस साइड पे स्टीम देंगे। चिकन हमारी स्टीम हो गई है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आंच के ऊपर इसे हम फ्राई करेंगे। साइड से ये हो चुकी है, इसे हमने पलट लिया है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है इसके ऊपर। अब हम ये सारे पीस फ्राई करके आपसे मिलते हैं। चारों पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। स्टीम एंड फ्राई चिकन टिक्का हमारा रेडी है। इसे हमने डिश आउट कर लिया है। इसके साथ सलाद बनाई है, पुदीने की हरी चटनी बनाई है, रायता बनाया है। चटनी की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। आप लोग ट्राई करें घर में और मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसके साथ ही फी अमानत।